दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन रसीद काटते हैं, आपका ऑनलाइन का शॉप है आप, और आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन रसीद काटने का सेवा प्रदान करते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन जो रसीद कट रहा था उसका जो डैशबोर्ड है चेंज हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम पहले रसीद काटते थे वहाँ पे कुछ अलग डैशबोर्ड था। यहाँ पे बिहार भूमि सरकार ने जो इसका सुधार किया है, डैशबोर्ड का चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको जिला जो है पहले से ही था, लेकिन यहाँ पे मात्र आप भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं या रसीद काट सकते हैं। अगर आपको भाग, वर्तमान और पृष्ठ संख्या मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं। जैसे अगला डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आप अपना प्रखंड सेलेक्ट करेंगे, अंचल, इसी तरह। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक भाग वर्तमान के माध्यम से देख रहे हैं कि कट रहा है नहीं कट रहा है। पूरा एंटर करने के बाद से यहाँ पे हम पृष्ठ भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान डालकर खोजे पर सेलेक्ट करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पे जो है कस्टमर का नाम आ जाएगा, जिसके नाम से आपका जमीन है, तो बासमती देवी का नाम आया है। यहाँ पे हम देखे पे क्लिक करेंगे। इसके आगे जो पहले जैसा था वैसा ही है, मैंने यहाँ बकाया देखा। जैसे पहले से आपको मालूम ही है यहाँ पे इनका कोई राशि बकाया नहीं है, पिछले भुगतान इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दो बार रसीद कटवाया है, एक है आपका 10/2/20 और एक है 9/1/2021। सिंपली देखे पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह नए डैशबोर्ड में कुछ बदलाव किया गया है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके मन में कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।